जैद भाई, मिर्जा गालिब जो है ये एक्स मुस्लिम है और ये अपने आप को कट्टर मुनाफिक बोलते हैं। जी मिर्जा भाई, मैं जी आपसे बात करने में मुझे बहुत खुशी लाइव है भाई, आप प्लीज स्टेज छोड़ सकते साहिल हैं। की टीम के मेंबर हैं। जी लाइव भाई, मैं आपसे थोड़ा मुखातिब हूँ, मुखातिब हूँ, अगर आप हैं यहाँ से स्टेज छोड़ दें। सैम स्टोलन भाई से बात करनी थी। जी 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 बिल्कुल, आप, मैं इंशाल्लाह। आपको वही बोलाना लाइव भाई, आप जी प्लीज ये स्टेज छोड़ दीजिए, जब जैद भाई का हो जाएगा टर्न हम यहाँ पर है, आप फिर से आकर ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो सनातनी भाई नीचे हैं, तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, हमारे वहाँ 11:33 हो रहा है, तो 11:45 तक समझ लीजिए जैद भाई यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो जो साथी मौजूद है वो मुख्तसर बात रख लें अपनी, और जो आना चाहते हैं नॉन मुस्लिम, अच्छा मौका है उनके पास, 10 मिनट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मिर्ज़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सभी को। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी मिर्ज़ा भाई। जी जैद साहब, आपने कल की डिबेट में बोला था कि इंटर कोर्स के लिए प्यूबर्टी का मतलब की उम्र हो जाना जरूरी है, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, जी बिल्कुल सही। हाँ तो मैंने एक लिंक दिया है प्राइवेट चैट में, मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब उसे खोलें और स्क्रीन पे रखें। मिनट, आप मैं बात रख देखता लेना, या आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मिर्ज़ा साहब आते हैं एक लिंक। हाँ इस्लाम थ्योरी का कुछ आया था थोड़ी देर पहले मुझे सर, लेकिन मैं ओपन नहीं कर पाया, कुछ नेटवर्क इशू था। गालिब आप बता दीजिए क्या क्या था उसमें, क्या क्या बोलना क्या चाहते हैं? सर जी, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, उससे अच्छा मैं दिखाई दूं ना डायरेक्ट। मैंने देख लिया तो सर, जैद मैं आपको जैद से मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने अभी इसका वो ज्वाइन हुआ लिंक, तो मुझे दिख रहा नहीं वो लिंक। जी मैंने देख लिया इसका वो लिंक, वो हाँ इस्लामिक क्यूए जो है वेबसाइट उसका लिंक है, उसमें उन्होंने वो एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि आई हैव नॉट येट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी। हाँ ठीक है, वो और करिए, मैं इनको बताता हूँ। गालिब भाई, मैं उसे आपको, क्योंकि आप इस्लाम की स्टडी में लगे हैं ना, तो मैं आपको एक उसूल देना चाहता हूँ जिससे आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। गालिब भाई ये बताओ, इस्लाम को या किसी भी मजहब को अगर आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो उसके उसूल जानना जरूरी कि नहीं, प्रिंसिपल्स, कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इस्लाम के अंदर अगर दो स्कॉलर्स दो बात बोल रहे हैं तो हम मुस्लिम्स कौन से व्यू को लेंगे? आपको कुछ उसमें पता है कि कौन से व्यू को लेने सिखाया गया है, आप बता सकते हैं? सर जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लिंक को डिस्प्ले पे शो करिए। मैं खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, खोल ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, खोलिए सर जी इस्लाम बिल्कुल, के। जी उसे एक बार पढ़ने या ये पब्लिक को लिंक है, दिखाने ये के आपकी लिंक है, ये गलत आपकी है लगेगा ब्रदर मिर्जा गालिब साहब। साहब, मैं सब ये पढ़ चुका हूँ ना सवाल का जवाब, मुझे पता है ये, जी तो आप बोलिए इससे बोलना क्या चाहते हैं वो बोलिए, मेरे सवाल का जवाब आप क्यों नहीं जी दे देते हैं? हम लोग आज इतनी अच्छी तरह से बात हो रही है, आपने बिना आपने आंसर दिए बोला भी हम कि नॉट। जी गालिब साहब, आपने मैंने बोला आपसे एक सवाल कि पूछा, क्या सवाल पूछा नहीं, कि पहले एक चीज कंप्लीट हो जाना। जैसा आपने बोला प्यूबर्टी तक मतलब हो जाना, जो बालिग हो जाना मैं जरूरी उसी का है। तो जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फॉर्मूला दे दूं जिससे यही सवाल नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको ये पूछ रहा था कि अगर दो स्कॉलर्स दो बात बोल रहे हैं तो आपको आज तक क्या समझ में आया कि एक मुस्लिम को फिर क्या व्यू फॉलो करना चाहिए? सर जी, मैं जो चीज दिखा के बात करना चाह रहा हूँ उसे हटा भी दिए हो, फिर अब दूसरी बात हैं, कोई दिक्कत नहीं गालिब साहब, डोंट फील बैड अबाउट कर दिस, प्लीज ले आइए स्क्रीन पे ले आइए, रहे डोंट फील बैड अबाउट अच्छी दिस। हाँ ये कहना चाह रहे हैं आप गाली साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बोलना शॉर्टली कह दें चाहते आप। हैं आप बताइए, और थोड़ा सा जी आपके जो चीज आप भी पढ़ हाँ चुके हैं मैं भी पढ़ चुका हूँ, तो क्यों ना हम उससे आगे को समझने की तरफ बढ़े आगे, इंस्टेड ऑफ सवाल, जब मैं आपका जी सवाल जानता हूँ कि आप बोलने वाले हैं तो मैं उसका जवाब देना शुरू कर दिया था। चलिए बताइए क्या सवाल पूछना तभी चाहते तो हैं, आपके अल्फाज में पूछना आपने चाहिए। बोला था कि बालिग हो जाना जरूरी है, तो हाँ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बालिग हो हाँ जाना जरूरी है। आप ठीक है, तो मैं आपको अभी जवाब दूं, गालिब साहब मुझे इजाजत देंगे आप? अपना जवाब दीजिए, उसके बाद इसमें जो जवाब दिया गया वो भी दिखाइएगा जी पूरा। गालिब साहब, मैं आपसे सवाल क्या पूछा कि आपका जवाब ही दे रहा हूँ, और मैं आपका भाई के तौर पे, इंसानी ब्रदर होता है ना खून का, तो भाईचारा की है कि नहीं है भाई? जरा मुझे ये बताओ कि इस्लाम के बारे में जब आपने कुछ स्टडी किया है, आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं, तो दो स्कॉलर्स अगर दो बात बोल रहे हैं तो एक मुस्लिम को किसके व्यू को फॉलो करना चाहिए, आप बताइए? नहीं पता है तो बोल दिए, मुझे नहीं मतलब पता, मैं आपको शेयर करूंगा, मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जवाब देने के बजाय ये सवाल ही समझ नहीं आ रहे ना मेरे को। प्लीज गालिब साहब वो देखो, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ और 3 बार तक का हक बनता है आपका। हाँ नहीं, ये मसला ये नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है होता ना, ना, ऐसे नहीं। देखो मैं आपको फिर से पूछ रहा जो हूँ, एक मिनट, जैसे मान लो दो पार्टीज चीज दो दो व्यू बोल रहे हैं, एक पार्टी आना चाहती पावर, दूसरी पार्टी आना चाहती, हम लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी पावर में आएगी, है ना? तो आपने इस्लाम के बारे में क्या ये समझा है कि ज्यादा वोट जो पार्टी को मिल जाए वो पार्टी इन पावर आती है, जो आलिम को ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाए वो ही सही है, ये
या इस्लाम के अंदर क्या तरीका कुरान में सिखाया गया, हदीस में सिखाया गया, जो इमाम्स थे बड़े बड़े उन्होंने क्या तरीका सिखाया, कि आपस में अगर स्कॉलर्स में इख्तलाफ हो जाए तो क्या करना चाहिए। जो चलो मैं ही बता देता हूँ, इस्लाम में ये रूल है मेरे भाई। हाँ जी, क्या होता है इजमा पे बात आ जाती है फिर? नहीं यार गालिब भाई, यू आर वेरी रॉन्ग इन दिस। सुनो क्या है ना, इजमा किसे बोलते हैं, जब इख्तलाफ नहीं होता है तब इजमा होता है। यहाँ पे इजमा नहीं, यहाँ पे बात ये हो रही है कि इत्तफाक इख्तलाफ है। तो हमें इस्लाम में ये रूल सिखाया गया है कि जिसके पास प्रूफ है उनकी बात को मानना है, जिनके पास प्रूफ है। अब आपने एक आलिम की बात को लाए हैं, मैंने आपको प्रूफ के साथ कुरान हदीस उलमा के अकवाल के साथ में पेश किया कल, ठीक है। जिसके पास प्रूफ है उनकी बात को मान लेंगे। और आपको मैं बताऊं गालिब भाई की कैसा मतलब, इस वेबसाइट वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक मिनट बता रहा हूं, देखो कैसा है ना, इस्लाम के अंदर क्लियर तरीका दिया हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का, कि कुरान हदीस में देखेंगे, सहाबा के अकवाल, तो ये सारी चीजें देखकर, सलफ का फहम, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये देखकर सॉल्व करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप दो स्कॉलर्स में से किसी एक स्कॉलर के व्यू से आप अग्री नहीं कर रहे हैं, एज अ नॉन मुस्लिम अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आप एक मसलक के खिलाफ है। इस्लाम के एक मसलक के खिलाफ है, मतलब एक थॉट के खिलाफ है। इस्लाम क्या है, दीन क्या है, जहां पे इत्तेफाक है वो दीन है, जहां पे इख्तलाफ होता है ना वहां दो थॉट्स है, दो मसलक है, जहां पे दो ओपिनियंस है, दो स्कॉलर्स अलग दो अलग बात बोल रहे हैं। तो आपको एक बात है ना, ये इस्लाम के क्रिटिसिज्म के दायरे से बाहर हो गया क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म जिसके अंदर दो उलमा में इख्तलाफ मिलता है और उसके अंदर कोई एक आलिम एक बात बोल रहे हैं, दूसरा आलिम दूसरी बात बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये आलिम की बात पे मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो हाँ हम लोग भी ऐसे क्रिटिसिज्म को अलाउ करते हैं कि दलील की रोशनी में कोई अगर क्रिटिसाइज करे कि भाई फला शेख की जगह फला आलिम के पास प्रूफ है, और हम नहीं करेंगे, वो भी स्कॉलर्स करेंगे, हम एज लेमैन विद इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं, बड़े स्कॉलर्स में से हम देखेंगे किसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है उनकी बात को मानेंगे, जिनके पास। तो ये इशू के अंदर है ना, आपको मैंने दलील देके बताया कि सूरह तलाक की आयत है, सूरह तलाक की जो चौथी आयत जो बहुत आप लोग बताते हो, वो आप लोगों ने उसको रॉन्ग अंडरस्टैंड किया, और मैंने प्रूफ दिया, चार प्रूफ सामने रख के बताया, और मैंने उलमा के अकवाल के साथ बताया, और फिर उसके जवाब में कोई जवाब नहीं था, ना डिबेट के अंदर था, ना उसके बाद की रिव्यू के अंदर था जी। और आप आ जाए, आपके पास जवाब हो तो आप बता दो। मैं जेद साहब एक मिनट, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप सच बोल रहे थे या ये वेबसाइट ने जो जवाब दिया वेबसाइट सच बोल रही, दोनों में से सच कौन बोला, बस मुझे ये जानना है। वही तो सच का, मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल हदीस बताऊंगा सही बुखारी में, जिसका आपको जवाब मिलेगा गालिब। अरे वो मत मुझे जानता की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सवाल की जवाब बता रहा हूँ। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा हकम अल हाकिम फजतहदा, जब कोई जज फैसला करता है और पूरी कोशिश करता है सही नतीजे तक पहुंचने के लिए, सुमा सौबा फलहु अजरान, अगर सही हो तो डबल अजर मिलेगा। वइदा हकमा फजतहदा सुमा अख्ता फलहु अजर, जब वो पूरी कोशिश करे और फिर भी वो गलत नतीजे तक पहुंच जाए तो भी उसे एक अजर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने कोशिश की ना पूरी। तो हम इस मसले में ये समझते हैं कि ये जो उलमा इकराम का जिक्र ये वेबसाइट ने किया उनको एक अजर मिलेगा, उस मसले में वो मिस्टेकन है, रॉन्ग है, और प्रूफ वो उलमा के पास है जो कहते हैं कि नहीं है, नहीं मेजोरिटी के बाद है, एज ऑफ मेजोरिटी के बाद ही होता है, और उन्हें दुगना अजर मिलेगा इंशाल्लाह। दोनों सही है, दोनों ने कोशिश की ना, इंसान है भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? देखो आप ये बात समझो, उलमा जो बनाएंगे ना, उलमा आखिर में इंसान है, आप ये बात को प्लीज समझ लीजिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हम उनके बारे में ये डिसरिस्पेक्ट के तौर पे नहीं कह रहे कि ये उलमा गलत है, नहीं वो सही उलमा है, कोशिश किए, लेकिन इंसानी रिस्ट्रिक्शन के तौर पे सब उलमा ने ये बात सिखाई कि अगर कुरान हदीस की बात आ जाए तो मेरी बात को तुम छोड़ देना, किसी ने नहीं कहा मेरी बात कभी नहीं छोड़ना, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर आपकी बात को समझ जाए ना गालिब भाई, मेरे ख्याल से आपके इस्लाम के कितने सारी गलत फहमियां सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। हां सर, थोड़ा बोलने भी तो दो हमें भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दो नेकियां रखिए, उन्हें एक नेकिया दीजिए, फिलहाल मुझे इतना बताइए कि आप दोनों में से जवाब किसका सही है, भले कोशिश दोनों ने की है। एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ गालिब भाई को, कि देखिए गालिब भाई, एग्जाम्पल देता हूँ आपको भी समझ में आएगा, छोटी छोटी चीज है आपको समझने के लिए, आप समझने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। जैद भाई तो एक्सप्लेन कर दिए, वो आपको समझ में नहीं आया जी, बिल्कुल। एग्जाम्पल देखिए जी, एग्जाम्पल देखिए, कल की डिबेट को लेकर सचवाला ने बोला है कि साहिल जीत गया और आदम ने बोला है कि साहिल हार गया, तो आप किसकी बात मानेंगे? उसकी प्रूफ मानेंगे जिसके पास प्रूफ होगा, राइट? अब सर जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे ही दीजिए कि भले मेरा जवाब दीजिए ना, आप पहले तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए पहले, मतलब मेरे सवाल का जवाब मानेंगे आप?
सच वाला बोल रहा है कि साहिल जीत गया और आदम बोल रहा है कि साहिल हार गया, इसकी बात मानेंगे आप? एक मिनट सेम भाई, फिलहाल तो मुझे कुछ जय साहब से बात करनी थी, अगर वो नहीं आते तो मैं हट भी गया। आप जवाब दीजिए ना, हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं, आपसे जवाब तलब कर रहे हैं। बात बोले वो जरूर सोचेंगे उस बारे में, मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं, आदिल भाई से बात करना चाह रहा था। चलिए मैं बोलिए जी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भले ही आप 10 नेकियां रखिए, वेबसाइट वालों को 5 नेकियां दिलवाइए, फिलहाल मुझे बताइए दोनों में से सही कौन बोल रहा है। अच्छा मैं आपको क्या बताया, आपको सवाल पूछेंगे कि किस मौजू पर, ये कहते हैं कि माइनर गर्ल से शादी की बात है ना, तो जो इस्लाम की हुई की वेबसाइट है ना, उन्होंने सूरे तलाक की जो आयत सूरा 65:4 की जो कॉमेंट्री फॉलो की है और जो ओपिनियन वो फॉलो करते हैं कि अलाउड है। और दूसरे उलमा है जिनका कोटेशन मैंने कल पावर पॉइंट में बताया था, फिर एक बार बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। उन्होंने बताया कि नहीं, माइनर से शादी अलाउड नहीं है, उसके दलायल है मौजूद। उसके दलायल में मैं आपको जैसे बता देता हूँ, गालिब सुनिए। सबसे पहले कि देखिए, मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 6 बताया। सब नंबर 2 कि देखिए, निकाह जब होता है तो कुछ ड्यूटीज हो जाती है लाजिम, और ड्यूटीज कब फर्ज होते हैं? जब एज ऑफ बुलुगत पहुंच जाते हैं तब कलम लिखना शुरू होती है, उससे पहले कलम रेज होती है। आपको ये रूल मालूम है ना इस्लाम के अंदर कि 3 की कलम उठी हुई है, यानी उसके आमाल नहीं लिखे जा रहे। तो ये एक दूसरी दलील हो गई कि वो मुकल्लफ कब होता है, वो मुकल्लफ तब होता है जब वो बालिग हो जाता है। हाँ, तो बालिग होने के बाद वो चीज लाजिम होती है। उसी तरह कुछ प्रोहिबिशन होते हैं कि शादी के अंदर कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, तो वो चीज के अंदर कब मना, कब वो चीज मुकल्लफ आदमी हो जाता है, कि जैसे कुछ ड्यूटीज होती है, हाँ एक वाइफ की भी कुछ ड्यूटीज होती है, एक एज अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ, तो वो ड्यूटीज में कब मुकल्लफ होगी? आफ्टर प्यूबर्टी। तो यानी ये सब दलायल में से दलील है, और भी दलायल है जो उलमा ने जिक्र किए हैं। तो वो उलमा जो कहते हैं कि नहीं, लाजिम है कि प्यूबर्टी पहुंच गई हो, उनका प्रूफ स्ट्रांग है। इसी वजह से हम इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद कर, जो आपने कहा ना जितना सवाब आपको देना है तो मैं नहीं देता हूँ सवाब, ना आप देते हैं सवाब, तो अल्लाह ही देता है। हम अपनी नीयत अच्छी रखें, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करें, और जो हक है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आपको कोई बात ना समझ में आए हो, मेरे ख्याल से सवाल का जवाब तो हो गया। कुछ और पूछना था आपको? नहीं अभी, अभी जैद साहब मेरा एक सवाल है। एक एक जेद भाई, आपने चाहे 100 हवाले दिए हों, वेबसाइट ने चाहे सिर्फ 2 हवाले दिए हों, मुझे बस ये जानना है कि आपकी बात दुरुस्त है या उनकी। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो उल्मा की बात मैंने जिक्र की प्रूफ के साथ, तो प्रूफ की बुनियाद पर प्रूफ सही है, जो दलील मिली कुरान हदीस से वो सही है, इस वजह से हम फॉलो करते हैं उस दलील को जो स्कॉलर्स ने पेश किया है। जैद साहब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। जैद साहब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, दो लोग बात मत करिए। एक सेकंड सर आप म्यूट होइए, आपका टर्न आएगा साहब, आपसे ही बात होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कई दलीलें हवाले दिए और लास्ट में ये हुआ कि हाँ भाई बुलूगत मतलब बालिग हो जाना कंपलसरी है, ठीक है। रिजल्ट आपने एंड में ये निकाला, दुनिया भर के हवाले देखे, ठीक है। वेबसाइट वालों ने भी चाहे 1 हवाला दिया, चाहे 2 दिया, चाहे 50 दिया, जो भी दिया, उन्होंने रिजल्ट निकाला कि उसकी जरूर वो जरूरी नहीं है। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि दोनों में सही कौन बोल रहा है। मैं आपको अभी 3 बार बता चुका हूँ, आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया वो रिपीट करिए ना, ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि सेम सवाल आपने 3 बार बोला है, मैंने जवाब दिया। तो एक अच्छे 2 सेंसिबल लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो सेम चीज 3-4 बार रिपीट करें वो नहीं होता है ना। आप इसमें से बोलिए ये बात नहीं समझ में आई, तो मैं भी अपने मुझे जो मालूम है शेयर करूंगा। देखो यहाँ शेयरिंग हो रही है ना। आपकी बात का पूरा मतलब ये निकलता है कि बालिग होना जरूरी है, और वेबसाइट की बात का पूरा मतलब निकलता है जरूरी नहीं है, तो दोनों में से सही बात कौन सी है? सही बात कौन सी? मैं बता चुका हूँ कि बालिग होना जरूरी है। इसका मतलब वेबसाइट गलत है? हाँ गलत है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इंसान है, अब नाजिल करदा वेबसाइट है, आप बताइए। और ये देखिए, याद रखिये हम उन्हें भगवान नहीं बनाते हैं, ये इंसान है, वो इनसे मिस्टेक भी होती है। उन्होंने खुद भी बोला मेरी बात जहाँ गलत है छोड़ देना, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने यही सिखाया है।
एक मिनट जय साहब, अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ हैं सैम स्टेलोन भाई, एकोनॉलेज इस्लाम और भी करके, मैं जानना चाहूंगा इनकी क्या राय है कि मुफ्ती जैद साहब की बात सही है या वेबसाइट वालों की। बारी बारी एक लाइन में बोल दीजिए। आपको क्या पोल कंडक्ट करना है यहाँ पे? मिर्जा साहब, मिर्जा साहब आपको जवाब मिल गया तो आपको दूसरों से जवाब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जायद भी 4-5 बार आपको रिपीट कर चुकी है वो चीज। आपको कुछ और बात करनी है? ये बोलो, एक फ्रेंडली डिस्कशन कभी करेंगे सिर्फ आप और मैं? जी मैं आपसे कर लूंगा, और मैं अभी भी टॉपिक भी बता देता हूँ कि क्या अल्लाह असली क्रिएटर है, इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अच्छा, आपका मौकिफ क्या है कि अल्लाह असली क्रिएटर है? नहीं, ये सवाल है, मेरी तरफ से सवाल है, आपको साबित करना रहेगा और मैं साबित करूंगा कि नहीं है। ओके, तो ये हम इसके लिए हम बाकायदा दिन तारीख रख लेंगे। साहिल के पास से मेरा नंबर लीजिए। सुनिए, हम लोग क्या करेंगे, इसके टर्म्स ऑफ डिबेट पहले तय करेंगे, टर्म्स ऑफ डिबेट तय करेंगे, उसके बाद ये डिबेट फाइनल होगा। मिल जाते हैं तो आप मेरा फोन नंबर साहिल से ले लीजिए, हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको मेरा आपको डिफिकल्टी हो तो कैसे करना है, आपको मेल के जरिए कोऑर्डिनेट करना है, जो भी जैसे भी करना बेहतर आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कोऑर्डिनेट करें। मैं मेल के जरिए कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। डिस्कॉर्ड पे अगर होते तो चलो, कोई नहीं, मेल के जरिए कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।